हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप सभी के अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कि भारत में वो कौन सी जगह है जो अपने खूबसूरत और विशाल चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इतने सुंदर पर्यटक स्थल मौजूद हैं जिन्हें घूमने के लिए आपके पास समय कम पड़ जाएगा। इसी शहर में एशिया की सबसे लंबी रोप वे मौजूद है और इस शहर को अगर भारत का सबसे विविध शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कई संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस शहर के बारे में सबसे आकर्षक तथ्यों में से एक ये है कि ये हिमालय की तलहटी में स्थित है। एक ऐसा शहर जिसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये शहर नेपाल, तिब्बत और भूटान के बीच बसा है और इसको खूबसूरत बनाने वाली पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दार्जिलिंग की एक शानदार सफर पर। दार्जिलिंग ब्रिटिश शासन काल के समय से ही एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन के रूप में फेमस रहा है। समुद्र तट से 2050 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ ये शहर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है, लेकिन ये हमेशा से ही बंगाल का हिस्सा नहीं था। दार्जिलिंग भारत में कैसे शामिल हुआ और क्या है इसका इतिहास, इसके बारे में हम जानेंगे वीडियो में। दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है और यहाँ के चाय बागानों को देखने हर साल पर्यटक आते हैं। दार्जिलिंग जिन पहाड़ियों पर बसा हुआ है उन्हें कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा माना जाता है, जहाँ आपको चारों तरफ हरे भरे पेड़ नजर आएंगे। साल भर यहाँ मौसम में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसके बावजूद यहाँ के जंगल बेहद हरे भरे हैं। दार्जिलिंग अपने फ्लोरा और फौना के लिए भी पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे जीव जंतु, जानवर और पौधे आपको देखने को मिलेंगे जो दुनिया के अन्य किसी कोने में नहीं देखे जाते। आपको बता दें कि दार्जिलिंग दोर्जिलिंग नाम का तिब्बती शब्द से आया है। दोर्जे का मतलब वज्र और लिंग एक साथ या भूमि है, यानी वज्र का क्षेत्र या ज्यादा ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दार्जिलिंग में वज्रपात आते रहते हैं और इसीलिए भी इसे वज्र का स्थान दिया गया है। दार्जिलिंग की कुल जनसंख्या 20 लाख के आसपास है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू जाति के लोग रहते हैं, जो पूरे शहर में 66% है। इसके अलावा 23% बौद्ध, 5% ईसाई और 4% इस्लाम धर्म को मानने वाले भी दार्जिलिंग में रहते हैं। दार्जिलिंग वैसे तो एक बड़ा जिला है, लेकिन दार्जिलिंग टाउन की बात करें तो वो एक छोटी सी जगह है जो सिर्फ 10 वर्ग किलोमीटर तक ही सीमित है। लेकिन आज हम पूरे दार्जिलिंग जिले और उसके आसपास की सारी जगहों की बात कर रहे हैं। दार्जिलिंग की मुख्य आय की बात करें तो चाय के बागानों और टूरिज्म इंडस्ट्री पर ही यहाँ के ज्यादातर लोग निर्भर करते हैं और आज के समय में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में $4 बिलियन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। दार्जिलिंग भले ही पश्चिम बंगाल का एक शहर है, लेकिन यहाँ पर कई संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है। दार्जिलिंग में बंगाली के अलावा नेपाली भाषा भी बोली जाती है और तिब्बती भाषा का इस्तेमाल भी कुछ लोग करते हैं। दार्जिलिंग जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप अपनों के बीच आ गए हो, क्योंकि यहाँ के लोगों का स्वभाव काफी दोस्ताना और मिलनसार होता है और यहाँ के लोग अपने शहर आए मेहमानों को भगवान सम्मान मानते हैं। बात करें अगर लिटरेसी रेट की, तो रिपोर्ट के मुताबिक दार्जिलिंग की लिटरेसी रेट है 79.56%, जो कि भारत की कई राज्यों से कई गुना ज्यादा अच्छा है। सन 1949 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया था, तो तिब्बत से हजारों लोग भागकर दार्जिलिंग में शरण लिए थे और तब से लेकर आज तक कई परिवार यहीं पर रह रहे हैं। इसी वजह से तिब्बती कल्चर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तिब्बतियों में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और इसीलिए आज दार्जिलिंग में कई बौद्ध मठ बने हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि दार्जिलिंग कुछ सालों तक सिक्किम का भी एक हिस्सा रहा है और इस वजह से सिक्किम की परंपराएं भी दार्जिलिंग के लोगों द्वारा निभाई जाती है। इन्हीं सब वजहों से दार्जिलिंग में कई प्रकार की सभ्यताएं देखने को मिलती है। दार्जिलिंग के खाने में आपको विभिन्न देशों के खाने का स्वाद मिलेगा। थुक्पा एक ऐसी तिब्बती डिश है जिसे सिर्फ दार्जिलिंग में ही नहीं पूरी नॉर्थ ईस्ट में काफी पसंद किया जाता है। ये एक चिकन नूडल सूप है जिसमें कई सब्जियां भी मिलाई जाती है। इसके अलावा चुरपी एक डिश है जिसे गाय या यॉक के दूध से तैयार किया जाता है। मोमोज और दम आलू तो यहाँ के लोगों के रोजमर्रा की डाइट का एक हिस्सा है। आपने दम आलू तो कई जगह खाए होंगे, लेकिन दार्जिलिंग के दम आलू की बात ही अलग है। सेल रोटी एक ऐसी नेपाली डिश है जिसे आप एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। ये दार्जिलिंग में काफी लोकप्रिय है। ये मीठे चावल से बनाई जाती है। पीने की बात करें तो चांग, जिसे स्थानीय भाषा में टोंगबा भी कहते हैं, दार्जिलिंग की एक मशहूर ड्रिंक है। अगर आप नॉनवेज का शौक रखते हैं तो आपको यहाँ की मशहूर शाफ पाले का आनंद जरूर लेना चाहिए। और दार्जिलिंग की चाय के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे, जिसके बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, दार्जिलिंग आने वाले पर्यटक यहाँ से चाय तो खरीदते ही है, साथ ही यहाँ पर आपको होम डेकोर और हाथों से निर्मित कई वस्तुएं मिल जाएंगी जिन्हें आप अपने परिवार वालों और दोस्तों के लिए खरीद सकते हैं। दार्जिलिंग के अलग अलग चोटियों से आपको नेपाल, भूटान, तिब्बत और सिक्किम के खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलेंगे। किसी एक शहर से इतने सारे नजारे शायद ही आपको किसी और जगह से देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि दार्जिलिंग की ऊंची चोटियों से आप कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के पहाड़ों को भी देख सकते हैं, जो पूरे साल बर्फ की सफेद चादर से ढके ही रहते हैं। सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी दार्जिलिंग एक
एक शानदार डेस्टिनेशन है। वैसे तो पर्यटकों के लिए दार्जिलिंग सुरक्षित माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से दार्जिलिंग के लोग अपने लिए अलग गोरखा लैंड देश की मांग कर रहे हैं। ये मांग पिछले कई दशक से की जा रही है और इस मांग को वहाँ की स्थानीय राजनीतिक पार्टियाँ ज्यादा समर्थन दे रही है, जिसकी वजह से कई बार दंगों के हालात भी दार्जिलिंग में देखे जा चुके हैं। दार्जिलिंग में स्थित बताशिया लूप एक युद्ध स्मारक है जो गोरखा के शहीद जवानों की याद में बनाया गया है। गोरखा के जितने भी जवान युद्ध में शहीद हुए हैं उन्हें यहाँ आकर लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये बताशिया लूप पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है और यहाँ से भी कंचनजंगा के बर्फ से ढके पहाड़ नजर आते हैं। अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है और राफ्टिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप तिस्ता नदी में राफ्टिंग कर सकते हैं। वहीं ट्रैकिंग का शौक रखने वाले लोग संत कफू ट्रैक को अपनी विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दूर दूर से लोग इस ट्रैक पर चढ़ाई के लिए आते हैं। सबसे ऊपर पहुँचने पर आपको कुदरत का वो नजारा देखने को मिलेगा जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं। दार्जिलिंग के नजदीक ही एक कुर्सियांग नाम का हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण धीरे धीरे पर्यटकों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि अभी तक इस हिल स्टेशन के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। इसी वजह से आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत कम ही देखने को मिलेगी। दार्जिलिंग कई मंदिरों, चर्च और बौद्ध मठों के लिए भी प्रसिद्ध है। उनमें से जापानीज पीस पगोडा एक मुख्य आकर्षण स्थल है जिसे सफेद पत्थर से बनाया गया है। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कुछ पल शांति से बिताने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। साथ ही दार्जिलिंग में एक महाकाल मंदिर भी श्रद्धालुओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 20 से 25 मिनट का रास्ता पैदल ही पार करना होगा, क्योंकि ये मंदिर ऑब्जर्वेटरी हिल पर बना हुआ है। टाइगर हिल पूरे दार्जिलिंग का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे रोमांटिक माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से सूर्योदय के बेहद ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। इस पहाड़ से कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला भी देखी जाती है। लेकिन टाइगर हिल जाने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और परमिट लेना होगा। भारतीयों के लिए परमिट की राशि 50 रूपए है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक रोपवे के बारे में बताया था। इस रोपवे का नाम है रंगीत वैली केबल कार। ये एशिया की सबसे बड़ी रोपवे है। 45 मिनट के इस सफर में आप आसमान की ऊंचाई से चाय के बागानों, खूबसूरत पहाड़, हरे भरे जंगलों और मनमोहक वादियों का जी भर के लुत्फ उठा सकते हैं। ये भारत की सबसे पहली केबल कार भी है। अगर आप परिवार के साथ पिकनिक मनाना चाहते हैं तो बारबूटी रॉक गार्डन जा सकते हैं। ये पूरा गार्डन चट्टानों से बनाया हुआ है और यहाँ पर एक शानदार वाटरफॉल भी है जिसके सामने खड़े होकर आप कुछ हसीन पल अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। दार्जिलिंग के गांव भी काफी सुंदर और आकर्षक है। लामहट्टा विलेज और टिंचुले विलेज में आप एक दिन बिता सकते हैं। यहाँ गाँव में ही आप रात भी रुक सकते हैं और कैंपिंग का आनंद भी ले सकते हैं। आप दार्जिलिंग गए और यहाँ के चाय के बागान ना देखे तो मतलब आप दार्जिलिंग घूमने ही नहीं गए। वैसे तो पूरे दार्जिलिंग में आपको कई छोटे बड़े चाय के बागान और उद्यान देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे प्रमुख हैप्पी वैली टी एस्टेट है जो 437 एकड़ जगह में फैला हुआ है। यहाँ पर कई लोकल गाइड भी मौजूद हैं जो आपको पूरे बाग की सैर कराएंगे और चाय की उत्पत्ति से लेकर आज तक की सारी जानकारी देंगे। साथ ही गाइड आपको चाय के गोदाम और स्टोर रूम भी सैर कराएंगे। पशु पक्षियों के प्रेमियों को भी दार्जिलिंग शहर काफी लुभाता है। यहाँ पर बना पाडमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो 70 एकड़ में फैला हुआ है, इस जू में आपको साइबेरियन टाइगर और स्नो लेपर्ड जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा सिंगालीला नेशनल पार्क भी एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इस नेशनल पार्क में रेड पांडा, हिमालयन ब्लैक डियर सहित एक सींग वाले गैंडे, हाथी, बाघ और कई प्रकार के प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं दार्जिलिंग के एक सबसे प्रमुख आकर्षण की, जो है टॉय ट्रेन। इसकी शुरुआत 1880 के दशक में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। सही मायने में अगर आप दार्जिलिंग की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो लाइफ में एक बार इस टॉय ट्रेन में सफर का आनंद जरूर लीजिए। सन 1990 से ये टॉय ट्रेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का सफर 7 घंटों में तय करती है। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने के कारण आप आराम से कुदरत के सभी नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। दार्जिलिंग के लोग संगीत प्रेमी होते हैं। यहाँ के लोग कई प्रकार के पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने में और बजाने में निपुण है। दार्जिलिंग के लोग रोसिया, जोवरे और जुआरी गानों के शौकीन होते हैं। ये यहाँ के प्रमुख लोकगीत है और यहाँ के लोग दिन भर इन गानों की धुन गुनगुनाते रहते हैं। दार्जिलिंग का असली इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। सन 1814 में एंग्लो नेपाल वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स ने दार्जिलिंग की खोज की। एंग्लो नेपाल वॉर में गोरखा आर्मी की हार हुई थी और इसके बाद नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच सुगौले की संधि हुई, जिसमें नेपाल को अपनी कई जगह जिनमें दार्जिलिंग भी शामिल था। 1817 में ट्रीटी ऑफ तितालिया के तहत ये सिक्किम का हिस्सा बना, लेकिन 1864 में अंग्रेजों ने इसे बंगाल प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया और तब से लेकर आज तक ये बंगाल और भारत का ही हिस्सा बना हुआ है। दार्जिलिंग पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दार्जिलिंग के सबसे पास बागडोगरा एयरपोर्ट है। 70 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में स्थित है। सिलीगुड़ी
से आप प्राइवेट टैक्सी या बस के जरिए दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी उतरना होगा, वहां से भी आपको टैक्सी और बस दोनों की ही सुविधा मिल जाएगी। दार्जिलिंग घूमने के लिए बेस्ट समय अप्रैल से जून तक का माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप अकेले हैं तो आपको दार्जिलिंग घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 35,000 रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत दार्जिलिंग, कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है दार्जिलिंग से तो कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या कभी आपने विजिट किए इस शहर की? अगर की है तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।